दोस्तों गुड आफ्टरनून, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और अभी तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। तो आई हूँ मैं अपने बगीचे की ओर। तो ये है मेरा प्यारा सा धनिया, और वहाँ पे है पालक, और कुछ पेड़ यहाँ पर लाइके भी हैं। तो हमारे घर पर थोड़ी सासू माँ की तबीयत ख़राब क्या है वो हुआ है, बीपी हाई हुआ था ना उनका, तो हमने डॉक्टर को बुला रखा है क्योंकि दवाई खाने से भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही। तो अभी बुला रखा है तो उनके लिए ही मैं धनिया लेने आई हूँ। धनिया का हाल जो हुआ है ना, मतलब धनिया बहुत अच्छा हुआ है हमारा, एकदम हरी फ्रेश धनिया हो रही है, पर इसमें थोड़ा हो गया घास हो गई है, मतलब पता नहीं किसने क्या क्या डाल दिया। तो ये देखिए मेरी हरी भरी धनिया, वो पालक है, यहाँ पे लाई के पेड़ भी हैं थोड़े बहुत, और हम लाई की सब्जी खाते तो हैं नहीं, वैसे खाते हैं पर ज़्यादा कोई अच्छा नहीं मानता, मैं तो अच्छा ही मानती हूँ। तो अब मैं ही अपने लिए क्या बनाऊँ ना, तभी मैं नहीं बना रखा है। तो ले लेती हूँ थोड़ा सा धनिया, और ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है घनी, घनी क्या हो रही है, बहुत घनी हो रही है, सारी पत्तियाँ सड़ भी रखी है। कोई ले जाता तो यूज के लिए ठीक ही था ना, कोई ले जाता भी नहीं है क्योंकि गांव घरों में सब बो ही रहते हैं। मैंने तो सोचा था कहाँ होगी ये, पर हो ही गया, अच्छी खासी हो रही है। बीज दाने लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, मसाले के काम आ जाएगा। और ना हमारे यहाँ ना जो प्रकाश दादा आते थे ना, थोड़ा उनका एक्सीडेंट हुआ है और अस्पताल में भर्ती हैं वो, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे ना आते जाते रहते थे, और कल ही मैंने उनको देखा था। एक्सीडेंट मतलब गाड़ी वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो ना ऐसे ही रास्ते से गिर करके रोड में पड़ गए थे, तो थोड़ा उन पर चोट आई है, तो भगवान उनको जल्दी से ठीक कर ले। चलो गाइज मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, मौसम भी ख़राब ही चल रहा है आज, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज वहाँ से आने के बाद ना ये हमारा कलवा उड़ गया था, कलवा है, तो ये उड़ गया था तो इसको संभाल रही हूँ अब। ये कलवा है है ना, कलवे हो ना आप। तो ये बेच गया अपनी बड़ी गोरी आई, और नहीं 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 ये गोरा है ये तो गोरा है, ये कल्लू नहाती, ये कल्लू नहा, ये तो गोर फना छू। ओ मल्ली ना जन दिया कर, ओ वो 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 ओ, मेरे को कपड़े भी छालने हैं बेटा, बहुत काम है, माल्टे भी तोड़ने हैं, मंदिर वाला नहीं है ना। तो दोस्तों रात हो चुकी है और खाना पीना खा लिया है, सानू भी सो गई है, और इसके पापा आज गए हैं मंदिर, मंदिर में है जागो। तो आज का ब्लॉग तो मैं उतना लंबा नहीं बना पाई क्योंकि मुझे कुछ कमेंट जो आते हैं ना उनका रिप्लाई भी करना था। वैसे तो मैं मैसेज के ही द्वारा रिप्लाई कर देती हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे थोड़ा बहुत रिप्लाई कर लूँ। तो दोस्तों मैं बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे वीडियो डालती रहती हूँ जब मुझे मौका मिलता है। तो बहुत लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हो। आज मैं देख रही थी मेरे एक शॉर्ट्स पे, क्या कहते हैं, मेरी वीडियो तो पहले साफ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ उत्तराखंड से पिथौरागढ़ ज़िले में रहने वाली, और पिथौरागढ़ के छोटा सा एक गांव पड़ता है उसका नाम है रस्यापाटा, तो मैं रस्यापाटा से रहती हूँ।
तो उन्होंने ही फिर से मुझे कमेंट किया था कि आप कहाँ के कन्याल हो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं रसियापटा की कन्याल हूँ, तो जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, और बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे रसियापटा गांव को। तो मैं रसियापटा गांव से, मतलब रसियापटा गांव की रहने वाली हूँ। और बहुत लोगों ने तो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी, क्या कहते हैं, अपनी एनिवर्सरी की, तो बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे ना आज मेरा पहला ब्लॉग हो रहा है कि मैं किसी के कमेंट पे रिप्लाई करूँ, तो मुझे ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, दूसरा फ़ोन तो मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं उसमें से देख के भी पढ़ती। तो अभी हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है, तो मैं उससे काम चला लेती, पर वो घर पे नहीं है, तो दीदी भी नीचे है। तो मैंने सोचा ऐसी जो मुझे याद है वो ब्लॉग, मतलब वो कमेंट मैं पढ़ के उनके आंसर, मतलब जो मुझे याद है उनके आंसर मैं दे देती हूँ। तो मुझे ना नाम तो क्लियर याद नहीं है, कोई चंद, मतलब उनकी कास्ट चंद थी। तो उन्होंने मेरे सासू माँ के बारे में पूछा था कि आप अपनी सासू माँ को भी ब्लॉग में ज़रूर दिखाना। तो ज़रूर, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो, और मुझे आशीर्वाद भी दिया था आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि वो ना जो मेरे पति देव, मतलब मेरे सासू माँ के मायके साइड के हैं, तो उन्होंने मेरी ब्लॉग देखी होगी, तो उन्होंने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, तो वो कह रहे थे कि अपनी सासू माँ को दिखाना, और वो हमारी दीदी लगती हैं। तो ज़रूर मैं अगली बार, आज के बाद वीडियो में, क्योंकि मुझे ना पहले तो घर में वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं जब कहीं इधर उधर जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा काम खुद करना पड़ता है। और ये तो मेरा एक कैमरा सेट नहीं है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी अगली बार आपकी दीदी जी को। और एक कमेंट आ रहा था कि हाँ, और एक शॉर्ट्स में, मतलब एक भैया जी हैं कुछ उत्तराखंडी करके ही उनकी आईडी है, मतलब यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ। वो मेरी हर वीडियो, हर शॉर्ट वीडियो और हर लॉन्ग वीडियो, मतलब जो ब्लॉग होते हैं उनको देखते हैं वो। तो उसमें हर, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड ये करके, नाइस करके, सो स्वीट करके उनका मिलने हमेशा, मतलब हर उसमें, आज तक ये नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझे कभी कमेंट नहीं किया। उनको तो मैं जानती तक नहीं हूँ, पर भैया आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप मेरी हर शॉर्ट्स देखते हो, हर वीडियो देखते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई एक नेगी करके भी हैं, उनका मुझे नाम तो क्लियर याद नहीं है, कुछ इनसे उनका नाम था। अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन होता ना, तो मैं जब अगली बार ये क्वेश्चन आंसर, मतलब जो भी है कमेंट का, जो भी मैं ब्लॉगिंग करूँगी, पहले वो सारे क्वेश्चन लिख लूँगी, उसके बाद मैं, तो पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे उन लोगों का ना नाम याद है ना कुछ है, तो उसके लिए सॉरी। मैं अगली बार पक्का सब कुछ याद कर करके ही, मतलब नोट करके ही, या फ़ोन में वो करके ही सबका, मतलब धन्यवाद करूँगी। तो पहले तो सॉरी। और तो वो भी पूछ रहे थे कि आप कहाँ से रहने वाली हो, तो मैं बता चुकी हूँ, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के छोटे से गांव रसियापटा से रहने वाली हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस करके ही ज़्यादा तक वो आए थे, कमेंट आए थे, तो तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ फैमिली वाले थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी है, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूं ही मेरे साथ बने रहिए। मुझे, मतलब मुझे बीच में लगा था कि मैं आज के बाद ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं हो रहा था, फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तो मेरी तबीयत ऐसी होती है ना कि मेरी तबीयत ख़राब चलती है, तो मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, तो इसी वजह से मुझे अजीब अजीब सा लगने लगता है। तो मुझे लगा कि ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, काम पे ही फोकस करती हूँ। तो भी फिर मेरी दीदी ने कहा कि मत छोड़, क्या कहते हैं, इतनी जल्दी हार मत मान, तू जो कर रही है करते रह, और जितना हो सकता है तू दिखा, जितना, मतलब
जो तू रियलिटी दिखाएगी वही देखेंगे लोग। तो तभी जा कर के मैंने परसों से दोबारा ब्लॉग डालना स्टार्ट किया है। और एक ब्लॉग डालना मेरा कोई शौक भी नहीं था, बस मैंने यूं ही मैं अपने मायके गई थी तो मेरे भैया ने मेरा चैनल खोल दिया। जैसे ही मैंने चैनल मतलब जो मेरी आईडी थी वो खोली, तो मतलब खोलने के बाद 5 मिनट भी नहीं होते उसमें ना सीधे 60 से 70 सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर मुझे लगा चलो यार डालते ही है। और मैंने सानू की एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी, उसमें सीधे 2500 से ऊपर व्यूज आ गए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक एक शॉर्ट्स है मेरी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि आज तक तो मैंने अपने कोई रील्स में कोई ब्लॉग्स में मतलब इतना व्यूज नहीं पड़ा, क्योंकि वो धना धना करके कोई मैंने वो बनाया था, मतलब एक शॉर्ट्स बनाई थी तो उसमें 20,000 व्यूज पड़े हैं और 400 से ऊपर उसमें लाइक है। तो धन्यवाद। तो ऐसे ही मतलब मेरे सारे शॉर्ट्स मेरे वीडियोज पे यूँ ही आप लोग देखते रहे। और ना वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं सारा सबके नाम और जो भी है वो याद करके ही कमेंट का वो बना पाऊँ, क्या कहते हैं उसको, रिप्लाई कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक गुड नाइट, बाय बाय।